वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में 19/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है, वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आधा भाग की दूरी है और यहाँ पर भी आधा भाग की दूरी के हिसाब से चाल दिया गया है। यानी कि जो दोनों का डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर दूरी है। तो अगर दोनों का दूरी बराबर है, चाल अलग अलग है, तो औसत चाल निकालने का यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपका क्या मैंने बताया था, मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका हूँ कि फॉर्मूला होता है आपका 2 × V1 × V2 बाई क्या हो जाता है, दोनों चालों का योग होता है। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर चाल निकाल लेंगे तो समय यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग दूरी भी निकाल पाएंगे, क्योंकि दूरी निकालने का यानी कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, तो दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है पहली चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 × 20। दूसरी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का चालों का योग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 × 20 = 50। 100 से 100 चला गया, 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका चाल कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। तो अब हमें क्या पता है, चाल यानी कि स्पीड पता है कितना है, 24, और कितना समय में तय करता है, तो 10 घंटे में तय करता है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो 24 × 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। ये आपकी कुल दूरी आ गई। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी क्रमशः जो है 1 लाख रुपये और 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। उसको जो है उन दोनों को मिलाकर 2400 रुपये का कुल लाभ में से प्रत्येक को कितने हिस्से, यानी कि ए और बी को कुल लाभ में से कितना कितना रुपया मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी में भी लाभ को बांटा जाता है, किसी व्यक्ति के बीच या फिर किसी के भी बीच बांटा जाएगा, तो हमेशा उनके निवेश यानी कि डिपॉजिट के आधार पर उनका क्या किया जाता है, लाभ को बांटा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए और बी के निवेश का अनुपात निकालना होगा। तो ए का निवेश कितना है यहाँ पर है, 1 लाख, कितना 1 लाख यानी कि 5 गुना, और बी का निवेश कितना है, 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख। यहाँ पर कितना सुना हो जाएगा, 4 सुना, तो काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 2 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा। यानी कि ए और बी का निवेश कितना है, ए का निवेश 2 यूनिट है और बी का निवेश 3 यूनिट है। दोनों का यूनिट का योग, निवेश का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 3 × 2 = 5 यूनिट है। 5 यूनिट बराबर रुपये कितना दिया गया लाभ में, 24,000 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर निकालेंगे तो 5 × 20 = 25 = 40, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 48 रुपये। तो अब हम लोग यहां पर से ए का भी लाभ निकाल सकते हैं और बी का भी लाभ निकाल सकते हैं। तो ए का कितना यूनिट लाभ है, तो 2 यूनिट लाभ है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4800 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 × 96 रुपया। और बी का लाभ कितना है, 3 यूनिट, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभ भी होगा। तो बी का यहां पर लाभ 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 48 × 144 यानी कि 14,400 रुपये। ये बी का लाभ है, तो ये दोनों का लाभ आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि टेन थीटा बराबर एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले टेन थीटा का यहां पर क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स दिया गया, तो यहां पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई आपका क्या हो जाएगा फोर एक्स। तो ये जो टेन थीटा में ऊपर में आपका क्या रहता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब रहता है, और नीचे आपका क्या रहता है बेस यानी कि आधार रहता है, और हमें चाहिए क्या सेक थीटा आपका हो जाता है यहां पर हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाता है, और सेक में आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि आपका लंब बटा आधार होता है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए इन दोनों का अंतर चाहिए यानी कि एच माइनस पी बाई बी, इनका हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो इनका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पता होना चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, कर्ण जब निकालने के लिए जाएंगे तो हाइपोटेनस थ्योरम से निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, ये आपका एच का वैल्यू आएगा। आप हाइपोटेनस थ्योरम से आप कॉपी पेन निकाल कर यहाँ पर जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस आपका प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन ही आपका आएगा। तो यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस एक बार आपका क्या है एक बार आपका हाइपोटेनस का वैल्यू प्लस में है यानी कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और दूसरे बार में आपका हाइपोटेनस का यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएगा, एक आपका प्लस में दूसरा आपका क्या माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये आपका हाइपोटेनस का दो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो आंसर भी आएगा वो आपका कितने बार आएगा दो बार आएगा, एक प्लस वाले का हाइपोटेनस पुट करेंगे एक बार में माइनस वाले का पुट करेंगे, तो पहले वाले में प्लस का पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा हाइपोटेनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया गया था फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस अंदर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बाई कितना हो जाएगा आपका फोर एक्स, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर कट गया, बचा आपका कितना टू बाई फोर एक्स, दो से चार काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा दो बार में, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा वन बाई टू एक्स, ये आपका पहला वैल्यू आ गया हमें, लेकिन दो वैल्यू यहां पर आएगा तो ये आपका यहां पर पहला वैल्यू है। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा बार में क्या करेंगे हाइपोटेनस का ये निगेटिव वाला जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो निगेटिव वाला आपका क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर क्या है माइनस का जो साइन था ही, तो यहां पर क्या हो जाएगा अंदर में माइनस गुना कर देंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, बटा आपका नीचे क्या है फोर एक्स है, यहां पर आपका कितना हो जाएगा प्लस वन माइनस वन कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर माइनस आठ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स स्क्वायर, बटा कितना हो जाएगा नीचे चार एक्स, तो कटेगा तो एक्स स्क्वायर को एक से काटेंगे तो एक एक्स चला जाएगा, चार से आठ काटेंगे तो दो बार में चला जाएगा, तो माइनस दो इंटू एक्स यानी कि क्या बचेगा आपका माइनस दो एक्स। तो ये आपका पहला आंसर है, ये आपका दूसरा आंसर है, यानी कि एक वैल्यू वन बाई टू एक्स आएगा दूसरा वैल्यू माइनस टू एक्स आएगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए बराबर आधा है कॉस बी बराबर भी आधा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन के कितने डिग्री का वैल्यू का मान 1 बाई टू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन के 30 डिग्री के मान साइन 30 डिग्री का मान आधा होता है, यानी कि ए का जो है वैल्यू कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉस बी में किसका यानी कि कॉस में किसका मान आधा होता है, तो कॉस 60 का मान आधा होता है, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60 और 30 90 डिग्री आपका आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांच। यहां पर दिए गए संख्या संख्या क्या दिया गया 96,961 दिया गया है, में 9 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का योग ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहां पर जो है यहां पर सबसे पहले यहां पर 9 एक आपका यहां पर है एक 9 आपका यहां पर है, तो इस वाले 9 का जो है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो पहले तो ये जहां पर 9 है वो 9 लिखेंगे, और उसके बाद कितनी संख्या चार संख्या, तो उसपे क्या करेंगे चार सुन्ना पुट कर देंगे, ये आपका क्या हो गया ये वाले 9 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान 90,000 आ गया। फिर दूसरा 9 यहां पर आपका है, तो दूसरा 9 यहां पर क्या करेंगे 9 लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या दो संख्या, तो दो सुन्ना पुट कर देंगे, क्या पूछा जा रहा है दोनों का योग, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर से आपका 90,900, ये आपका आंसर होगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर छह। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 3 का 20वां गुणज है, यदि उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 6 और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहां पर जो है सबसे पहले जो है यहां पर एलसीएम निकाले, तो एलसीएम क्या बोला जा रहा है, एलसीएम बोला जा रहा है कि 3 का 20वां गुणज है, यानी कि 3 इंटू 20 करेंगे तो कितना आता है 60, यानी कि एलसीएम आपका कितना है 60। एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या में निकालना है। तो इस तरीके के प्रश्न में एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं का होता है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम के गुणज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है एचसीएफ आपका कितना दिया गया है 6, एलसीएम कितना दिया गया है 60, पहली संख्या 12 है, पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या, 12 से 60 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा तो दूसरी संख्या का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 6 × 25 = 30 यानी कि 30 आपका आंसर आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, औसत निकालना है। तीन संख्याएं दी गई है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले इनका सम यानी कि योग निकालेंगे, तो योग कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 1, 8, 8, 7, 15 यानी कि 15.6 क्या हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का योग। टोटल कितने संख्या है 3 है, औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 × 15 डेसिमल, 3 × 9 यानी कि 5.2 आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में, ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समय बराबर आपका होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। तो ये फॉर्मूला मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ए जो है 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं 30 दिन में। यहां पर क्या करेंगे 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यहां पर से हमें पता चल गई कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, और ए और बी दोनों मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है 4 है। तो अगर दोनों की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो 4 − 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि बी की कार्य क्षमता 1 है, और ये जो 120 ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है असल में टोटल वर्क होता है। तो हमें पता है कि बी को करना कितना काम है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, तो समय निकल जाएगा। तो करना कितना काम है बी को 120 काम, कितने की कार्य क्षमता से 1 की कार्य क्षमता से, यानी कि कितना समय लगेगा 120 दिनों का समय लगेगा, ये आपका समय आ गया बी के द्वारा किया गया काम। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी का अनुपात में यहां पर वैल्यू दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए का संपूरक कोण की माप कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एंगल ए का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो उसका संपूरक कोण निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहां पर जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलस हो, स्केलन हो, या फिर आपका इक्विलेटरल हो, जो भी ट्रायंगल हो उनके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इनके जो है एंगल के यूनिट का सम कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10 यूनिट, और 10 यूनिट का वैल्यू डिग्री में कितना दिया गया 180 डिग्री दिया गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, ए का कोण चाहिए, तो ए का जो है वैल्यू कितना है 2 यूनिट। तो अगर एक यूनिट बराबर 18 डिग्री है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 × 36 डिग्री, यानी कि एंगल ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है, एंगल ए का संपूरक कोण पूछा जा रहा है। अगर आपसे संपूरक का कोण पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे ये जो एंगल ए का मान आया था। अगर आपसे पूरक पूछ लिया जाता तो क्या करते, 90 डिग्री से माइनस करते, लेकिन यहां पर संपूरक से पूछा जा रहा था तो क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूरक जब रहेगा तो 90 डिग्री से माइनस, संपूरक रहेगा तो 180 डिग्री से माइनस कीजिएगा। तो यहां पर संपूरक है तो 180 माइनस 36 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 144 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पर ये जो है आपका, हम लोगों को जो है यहाँ पर इंग्लिश में ही मिल पाया था तो हिंदी में नहीं था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 9x पर पावर 5 है, y पर स्क्वायर है, z पर पावर r है, इज 15 देन r इज व्हाट। यानी कि ये जो है जेड पर पावर आर है तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो 15 क्या दिया गया है, इनके जो है डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है। तो यहां पर जो है इनके पावर का सम क्या हो जाएगा, यहां पर 5 है, 2 है, यहां पर r है, और टोटल पावर कितना है यहां पर 15, यानी कि 5 प्लस 2 प्लस r बराबर टोटल कितना है 15। हल करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा यहां पर से, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 2 7, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि आपके r का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कंटेनर में जो 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 80 लीटर दूध निकाला, सॉरी 8 लीटर, 80 लीटर नहीं, 80 लीटर टोटल दूध है, उनमें से एक इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और इसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और इसके स्थान पर फिर से पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो इस जो है इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया गया, एक बार यहां पर, दूसरे बार यहां पर, फिर बोला गया कि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, यानी कि टोटल 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया। यानी कि 8 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर मिश्रण से 8 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर 8 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। तो यहां पर से सबसे पहले हम लोगों को पता लगेगा कि प्रत्येक बार में जो है दूध की मात्रा कितनी बच रही है। तो टोटल जो है दूध कितनी है 80 लीटर, और निकाला कितना जाता है प्रत्येक बार 8 लीटर, यानी कि कुल कितनी मात्रा दूध निकाल ली जाती है, तो कुल जितना जो दूध है उसका 1/2, यानी कि काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि कुल दूध का 1/10 हिस्सा क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। यानी कि अगर 10 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल लिया जाए, या तो मिश्रण निकाल लिया जाए या फिर दूध निकाल लिया जाए, तो बचेगा कितना, 10 यूनिट में से 9 यूनिट बचेगा। और यही जो प्रक्रिया है वो कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है। तो दूध का निकालना है तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, 80 इंटू क्या करेंगे 9/10 करेंगे, प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 बार 9/10 से गुना कर देंगे, तो 9/10 दो बार हो गया आपका, तीसरे बार 9/10, तो हल कर लेंगे, 1 0 1 0 चला गया, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 3 729 इंटू 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 72, 2 7 8 2 16, 7 आपका कितना हो जाएगा 23, 2 आपका हो जाएगा और 8 7 56, 56 2 कितना हो जाएगा 58, नीचे कितना है 2 सुनना है तो 2 अंकों के पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया। अब जो है 3 बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद आपके दूध की मात्रा 58.32 लीटर बची है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वितत समान अनुपात यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में हो, यह आपसे बोला जा रहा है। यानी कि हमें क्या करना होगा, a/b बराबर b/c हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो यहाँ पर a 16 है, b 19 है और c कितना आपका 23 है, तो हमें क्या करना होगा 16/19 और फिर क्या चेक करना होगा 19/23, यानी कि प्रत्येक संख्या में ऊपर नीचे क्या घटाया जाए कि दोनों क्या हो जाए यहाँ पर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे तो 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15, और 19 में से एक जाएगा बाई ऑप्शन ही हमें इसे चेक करना होगा, वरना यक्स यहाँ पर बैठाएंगे तो ट्रिपलेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि काफी लंबा चला जाएगा, तो उससे बेहतर होगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या फिर आप निकालना चाहे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन ही इसे बनाए करेंगे। यहाँ 16 में से एक जाएगा 15 और 19 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 18, फिर 19 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका 18/ कितना हो जाएगा 22। ये क्या समान अनुपात बना रहा है, नहीं बना रहा, यानी कि ये गलत होगा क्योंकि ये 5 कटेगा नीचे 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 कटेगा, समान अनुपात नहीं है, गलत है। यानी दूसरा चेक करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, नीचे कितना हो जाएगा 11, यानी कि 8/11, इधर क्या 8/11 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर कितना आ जाता है 11, ये आपका प्राइम नंबर है तो कटेगा ही नहीं, यानी कि ये गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 और 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा 10,
फिर यहां पर 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा 10। ये प्राइम नंबर है, यहां पर आपका इवन नंबर आ गया, कटेगा ही नहीं, यानी कि ये गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 12। बराबर 19 में से 7 गया 12, 23 में से 7 गया तो कितना होगा 23 में से 7 गया तो आपका कितना हो जाएगा 16, 16 होगा। यहां पर काटेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, 3 से काट लेंगे, यहां पर 4 से तो 4 4 4 3 12, 4 6 16, क्या आ रहा है यहां पर 3/4, यहां भी है 3/4, यहां भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आंकड़े जो है 7 11 12, इस तरीके से सभी जो है यहाँ पर अंक दिए गए, और दिया गया है कि उनकी माध्यिका यानी कि मीडियन कितनी है 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्ष का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो है पहले तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्या दी गई उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, लेकिन ये तो पहले ही आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया। तो यहाँ पर फिर क्या करना होता है, हमें बीच की संख्या देनी होती है। तो यहाँ पर इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, तो बीच की संख्या ये दोनों जो आपकी दिख रही है वो क्या है, बीच की संख्या। तो दोनों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस यक्स प्लस वाई, टोटल कितनी संख्या है 2 संख्या, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। बराबर माध्यिका कितनी दी गई है 16, यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि y कट जाएगी, माइनस वाई या प्लस वाई कट जाएगा, तो कितना आपका हो गया 2x, और 2 इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और 2 से 32 कितने बार में चला जाएगा 16 बार में, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 16। पूछा क्या जा रहा था, यक्स का वैल्यू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ए अनुपात बी 3:4 दिया गया, बी अनुपात सी 5:7 दिया गया, ए और सी का वैल्यू पूछा जा रहा है अनुपात में। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है, और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है। इन दोनों का क्या कर देंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ये ए का वैल्यू आ जाएगा। जब इनिशियल और फाइनल रिजल्ट का रिलेशन रहे तभी आप इस तरीके से निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, शुरुआत वाला अंक गुना करेंगे, फिर हमें सी का चाहिए तो क्या करेंगे, ये सेकेंड वाले यानी कि लास्ट वाले अंक का गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 4 28, तो आपका कितना आ जाएगा ये और सी का अनुपात 15:28। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू पूछेगा तभी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि 7 घंटे में यानी कि 7 आवर में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटा वर्षा की औसत मात्रा कितनी थी, तो टोटल वर्षा हुई कितनी है 0.896, कुल कितने घंटे में 7 घंटे में, 7 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा का आपका औसत वर्षा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.71, तो कितना बचा 7 × 14 = 5 × 57 = 56, यानी कि प्रत्येक घंटा में इतने सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रुपया को नीचे लिखेंगे और जितना जो है केला खरीदा जा रहा है उनकी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो कितना केला, 2 रुपये में कुल कितने केले खरीदे गए 3 केले, और 3 रुपये में कुल कितने केले बेचे, तो 2 केले बेचे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट का कोई सामान को कितने में बेच दिया गया, 9 यूनिट में बेच दिया गया। तो 4 का सामान अगर 9 यूनिट में बेच रहा है तो कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितने पर, ये जो पहले वाले में था उस पर कितने पर लाभ हो रहा है, तो 4 यूनिट पर लाभ हो रहा है। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400 से 100 काटेंगे 25 बार में चला जाएगा, 25 × 5 आपका कितना आ जाएगा लाभ प्रतिशत, 125% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आपका आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना कि क्या आएगा। यहां पर क्या है, बेस आपका यहां पर क्या है, दोनों जगह यहां पर बेस सेम है। पावर क्या हो जाएगा, अगर ऊपर पावर 5 है नीचे पावर 4 है, तो पावर क्या हो जाएगा ऊपर से घट जाएगा, यानी कि पावर ये क्या हो जाएगा ऊपर घट जाएगा, यानी कि पावर क्या बचेगा -1, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचता, तो -1/2 पर पावर अगर 1 बचेगा तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू -1/2 आएगा। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो ऊपर नीचे कोई भी पावर नहीं दिया गया, तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा,
चार से आठ काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, दो बार में, यानी कि प्लस क्या आ जाएगा, हाफ, यानी कि आधा आ जाएगा। तो इधर माइनस हाफ, इधर प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो, क्या करना। मैंने इसी वीडियो में बताया कि रुपया को ऊपर लिखेंगे और जो भी चीज खरीदी जाती है, केला हो, सेब हो, कुछ भी खरीदा जाए, उसे नीचे लिखेंगे। तो कितने रुपए में खरीदा गया, 10 रुपए में। कितने केले खरीदे गए, 6 केले। फिर जो है उसी केले को जो है 6 रुपए में कितने की दर से बेच दिया, 4 रुपए की दर से बेच दिया। क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और 6 छक 36, यानी कि 40 यूनिट के कोई सामान को कितने यूनिट में बेच दिया गया, 36 यूनिट में बेच दिया गया। तो 40 यूनिट का सामान अगर 36 यूनिट में बेच रहा है तो क्या हो रहा, हानि हो रहा है। कितने यूनिट का होना हानि हो रहा है, 4 यूनिट का। कितने पर, 40 यूनिट पर हानि हो रहा है। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। सुनना सुनना चला गया, 4 4 चला गया, 10 बचा, तो आपका हानि प्रतिशत कितना आ गया, 10% लॉस आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भी एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में काम कर सकता है और सी जो है कितने दिनों में काम कर सकता है, 20 दिनों में काम कर सकता है। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 10 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 6, बी की 4 है और सी की 3 है। तो हमें क्या निकालना है, समय। तो टोटल करना कितना काम है तीनों को मिलकर, ये जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, यानी कि तीनों को मिलकर 60 काम करना है और तीनों का मिलाकर, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, तो 6 4 10 3 13, तो 13 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका समय आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60/13। लेकिन पूर्णांक में आंसर दिया गया तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13/25 नहीं, 13 चौक 52, यानी कि 4/8/13, ये आपका क्या आ गया, इतना समय लगेगा तीनों को मिलकर काम करने में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 6 और 36 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसी वीडियो में फॉर्मूला क्या बताया कि दोनों संख्याओं का गुणज बराबर होते हैं उन दोनों संख्याओं का एलसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणज के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली संख्या कितनी दी गई है, 12, दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना है। एलसीएफ कितना दिया गया, दोनों संख्याओं का 6 और एलसीएम यानी कि लघुत्तम 36 दिया गया। हल करेंगे, 12 से 36 तीन बार में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 3 18, यानी कि दूसरी संख्या का वैल्यू 18 है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर दिया गया है कि वृत्त जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, एक्स बराबर 2 वैल्यू दिया गया है, पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो सिंपल तरीका यहां पर क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 है, 2 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 9 है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5, यानी कि y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका y का कितने वैल्यू हो जाएंगे, 2 वैल्यू, यानी कि एक तो आपका प्लस रूट 5 हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5 होगा। तो ये आपका 2 वैल्यू है, तो आपका इक्वेशन भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। करना कुछ नहीं है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वाई का 2 वैल्यू है, तो 2 इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन आपका कैसे बनता है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या फिर प्लस सी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बराबर सी बोल सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन बन। क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे ए एक्स, यानी कि यहाँ पर से जो आपका ए का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 2 था, तो 2x आपका हो जाएगा यहाँ पर से। फिर आपका कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, √5, यानी कि एक बार तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस √5
y बराबर आपका c का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 है। दूसरा इक्वेशन क्या बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू क्या है -5 -√5 था, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x -√5 -√5 बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, दो इक्वेशन यहाँ पर आपके यहाँ पर से बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है। तो संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। तो क्या बोला गया, संख्या के 50% यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2, उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, यानी कि x के 4/5 से 21 कम है, ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना जाएगा x बाई टू 4x/5, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5 × 10, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x और यहाँ पर 8x, यानी कि क्या हो जाएगा -3x बराबर कितना हो जाएगा 21। 3 से काटेंगे आपका, यहाँ पर -21 है तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 3 से 21 सात बार में चला जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 × 10 करेंगे तो 70x का वैल्यू आएगा, यानी कि संख्या हम लोगों ने x मानी थी तो संख्या का मान कितना है 70। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि √15 का वैल्यू जो है 3.88 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि √5/3 का वैल्यू क्या होगा। यहां पर क्या करेंगे, इसे जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि √5/√3 है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 ऊपर नीचे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 × 15 हो जाएगा, √3 नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √15 का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे √15 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3.88, उसे क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1.3 × 6, फिर आपका कितना बचा 2, तो 3 × 27, फिर 1 बचा तो क्या आता चला जाएगा, क्योंकि 1 बचा तो 3 से जितना बार भी डिवाइड करेंगे वो हर एक बार एक एक बार शेष बचेगा, यानी कि इसके बाद आपका 3 3 3 3 आपका अनंत काल तक 3 3 चला जाएगा, यानी कि हम लोग इस तरीके से भी इसे बोल सकते हैं कि 1.293 आ 3 पर क्या हो जाएगा रिकरिंग, इस तरीके से आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर जो आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है दिए गए समुच्च से संबंधित नहीं है, यानी कि ये जो जिस तरीके से यहां पर संख्या दी गई उस तरीके से कौन सा ऑप्शन जो है ये इस तरीके से सिद्ध नहीं हो रहा है, जैसे कि 3/6 है तो ये क्या बन आ रहा है 1/2, क्योंकि 3 से 6 दो बार में चला जाएगा, 5/10 है यानी कि ये भी 1/2 है, 9/18 यानी कि ये भी 1/2 है, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि 1/2 नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो 42/86 है, तो ये 1/2 आपका नहीं हो रहा, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते क्या 1/2 हो रहा है, तो 19/38 है, तो काटेंगे तो दो बार में चला जाएगा 1/2 हो रहा है, 62/124 दो बार में चला जाएगा यानी कि 1/2 हो रहा है, 13/26 दो बार में चला जाएगा यानी कि 1/2 हो रहा है, तो एकमात्र ऑप्शन है जिसका 1/2 नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कमरे की लंबाई 3x+10 मीटर है और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ 2x+5 मीटर दी गई है, इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक साथ जो है 60x+180 वर्ग मीटर इकाई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कमरे का यानी कि किसी भी रूम के चार दीवारी के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 × लेंथ + ब्रेथ × आपका क्या हो जाता है हाइट। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि कमरे की चार दीवारी के क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लेंथ कितना दिया गया 3x+10, चौड़ाई कितनी दी गई है 2x+5, दोनों का क्या करना है योग करना है, तो इन दोनों का क्या करेंगे पहले ही योग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x 2x 5x+10 और 5 कितना हो जाएगा 15, h का हमें वैल्यू चाहिए तो × h, और टोटल जो है कितना दिया गया है एरिया, तो 60x+180 ये यहाँ पर दिया गया। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से h बराबर इन दोनों में से हम लोग क्या ले सकते हैं 60 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60x है यहाँ 180 है, दोनों में 60 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं।
अंदर क्या बचेगा आपका यक्स प्लस 180 में से क्या बचेगा तीन बचेगा बटा नीचे में। यहां पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां भी पांच है यहां भी पांच है, पांच कॉमन लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा पांच दूनी दस हो जाएगा यानी कि दस, अंदर क्या बचेगा पांच, यहां पर से कॉमन ले लिया तो यक्स 15 में से 5 कॉमन तो 3 बचेगा, हल करेंगे तो x प्लस 3 चला गया, x शून्य चला गया, तो h बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर से 6 मीटर, यानी कि कमरे की ऊंचाई कितनी थी 6 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या पता करनी होगी, पार्क की त्रिज्या यानी कि रेडियस पता करनी होगी। तो यहाँ पर जो है टोटल क्या दिया गया, एरिया दिया गया है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या का वैल्यू चाहिए तो इंटू आर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना दिया गया 1386 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो हल करेंगे यहाँ पर 22 से काटेंगे तो 22 6 132, 6 बचा तो 22 3 66, हल करेंगे तो आपका आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 963, यानी कि 7 3 कितना आ जाएगा 21, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई यहाँ पर से 21 मीटर आ गए। तो यहाँ पर से अब हमें क्या चाहिए, बोला जा रहा है कि इसके अंदर से क्या किया जाता है एक रास्ता बनाया जाता है, यानी कि ये जो मान लेते ये रास्ता और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 7 मीटर दी गई है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले वृत्त का एरिया का माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला आप चाहे तो याद रख सकते या फिर वैसे भी ध्यान रख सकते कि क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये अंदर वाले को छोटा त्रिज्या मान लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो पाई क्या हो जाएगा कॉमन, तो पाई 22/7, अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाहर की त्रिज्या तो यहाँ पर आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर, तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 - 7 यानी कि 14 मीटर होगी, तो बाहरी त्रिज्या 21 मीटर अंतर त्रिज्या जो है यहाँ पर 14 मीटर, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर में आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा आपका 14 और 21, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 35 हो जाएगा, एक बार माइनस होगा तो 14 माइनस यानी कि 21 - 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 7 चला गया, 35 × 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2025 ये जो अंडर रूट है उसका इंटीजर में वैल्यू क्या होगा, 25 यहाँ पर बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपको वैदिक तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं 25 का स्क्वायर तो 625 होता है यानी कि ये नहीं हो सकता, 65 का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर ही 3600 हो जाता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है तो ये तो 3600 से कम है, ये संख्या तो और 65 हो रही है यानी कि और ऊपर जाएगा तो ये नहीं हो सकता। 55 का भी 55 के जगह 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2500 से कम, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये तो और अधिक हो जाएगी यानी कि ये भी नहीं हो सकती, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो हो गया आपका बाय ऑप्शन बनाने का तरीका, लेकिन अगर आप इसे निकालना चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है वैदिक तरीके से किस तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि 5 का जब भी अंडर रूट आएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक स्क्वायर करने पर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 तभी आता है जब खुद की संख्या का इकाई अंक 5 हो, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अंडर रूट से बाहर आएगा तब भी इसका इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा, यानी कि ये जो है क्या करेंगे अंतिम वाले दो नंबर को हटा देंगे, यहाँ पर क्या बचा 20, 20 का आप क्या देखेंगे 20 का यहाँ पर जो है कौन सी संख्या से जो है यहाँ पर कम है, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे कि 20 यहाँ पर जो है कि कौन सी संख्या लगभग जो है कम है, जैसे कि 16, 4 का कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 16, 5 का कितना हो जाता है 25, यानी कि 25 से ये तो कम है यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर से ये थोड़ा सा अधिक है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा आपका 4 यानी कि 45 आपका सही आंसर होगा। तो ये वैदिक तरीका हो जाता है निकालने का या फिर बाय ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ में दिया गया यहाँ पर ईयर के नाम दिया गया, जॉब क्रिएशन यानी कि प्रत्येक साल में कितने कितने जॉब आपके क्रिएट हुए हैं वो आपका यहाँ पर संख्या दी गई है मिलियन में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है,
क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 1979 यानी कि 1979 की अवधि के दौरान सृजित औसत नौकरियों की तुलना में अधिक किन किन सालों की थी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका औसत निकालना होगा। औसत निकालने के लिए पहले योग निकालना होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 5 10, हाथ में 1, 8 7 15, 6 21, 5 26 9, 35 7 कितना हो जाएगा आपका, 42 1 43। टोटल कितने साल थे, 3 3 6 साल थे। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 6 7 42, आपका कितना बचा, 1 10, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, 72। हमें अब देखना है कि लगभग ये जो 72 आए वो कि कौन कौन से साल में, इस 72 मिलियन से अधिक जो है क्या हुआ है, नौकरियां उत्पन्न हुई है। तो 1940 में तो 70 यानी कि ये नहीं हो सकता, 1944 में 80 है यानी कि ये होगा, फिर 1950 में 60 है यानी कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें 72 से अधिक चाहिए, ये 55 है नहीं हो सकता, 90 है यानी कि 1970 होगा, 75 है यानी कि ये भी होगा। तो कौन कौन सा साल है, 44 70 और 79, यानी कि 44 70 79, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था, यानी कि ये जो 3 ऑप्शन यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे बाय ऑप्शन ही हम लोग बना सकते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो तीन तीन साल यहां पर ऑप्शन में दिए गए, उनमें से किन का औसत सबसे अधिक है, तो औसत उसी का सबसे अधिक होगा जिनका योग सबसे अधिक होगा। यानी कि अगर हम लोग योग हम लोग निकाल ले कि जिसका योग सबसे अधिक होगा उसी का औसत सबसे अधिक होगा, तो अगर हम लोग योग निकाल ले तो हम लोग क्या पता कर पाएंगे, औसत आसानी से पता कर पाएंगे कि किसका अधिक होगा। यहां पर क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। 79 में आपका कितना है, 79 में 75 है, 75 मिलियन। 40 में आपका कितना है, 70 है, और 44 में आपके कितने है, 80 है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर से 5 7 7 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। उसी तरीके से अगला वाला ऑप्शन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 70 है, 44 में आपका 80 है, और आपका 58 में कितने हैं, 55 है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 20, यानी कि 205। तीसरे वाले में जोड़ेंगे तो 44, 44 में कितने हैं, 80, 50 में आपके 60 है, और आपके 70 में कितने हैं, 90। कितने हो जाएंगे, 9 6 15 15 8 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 230। यहाँ पर चेक करेंगे तो 58 में कितने हैं, 55, और आपके 70, 70 में कितने हैं, 90, और 79 में कितने हैं, 75। सभी को जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 220। तो किनका योग हमें सबसे अधिक दिख रहा है, यहाँ पर 230 सबसे अधिक दिख रहा है, तो अगर योग सबसे अधिक है तो इन्हीं का औसत ही सबसे अधिक आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चाहिए तो आप यहाँ पर औसत निकाल के देख सकते हैं। वैसे मैं आपको काफी बार बोल चुका हूँ कि योग अगर अधिक है तो औसत अधिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर आपका जो है यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपका ग्राफ यहां पर सेम है। क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए किन 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या का औसत न्यूनतम था, यानी कि पिछला बार क्या हमें पूछा गया था, अधिकतम, अब क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सभी का योग निकालना होगा, जिसका योग कम से सबसे कम होगा उनका औसत भी सबसे कम होगा। हल कर लेते, 40 में कितना है, 70, 44 में कितना, 80, तो कितना हो गया, 150, और 50 में आपका कितना है, 60 है, यानी कि 150 और 60 कितना हो जाएगा, 210। उसी तरीके से 1950 में 60 है, 58 में 55 है, और फिर आपका कितना है, 70, 70 में 90 है, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 कितना हो जाएगा, 20, तो 205। फिर अगला चेक करेंगे तो 1958 में 55, फिर आपके 70 90 या 79 में 75 है, तो 7 5 12 1 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 220। और इधर कितना है, 44 में 80, 50 में आपका कितना है, 60, और 58 में कितना है, 55, तो 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 195। तो यहाँ पर योग सबसे कम है, तो इसी का औसत क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम पूछा जा रहा था तो न्यूनतम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए किन 2 वर्षों की अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था। पहले बार में क्या पूछा गया था, इसके पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किन 2 में जो है औसत
अधिक है। यहां पर क्या पूछा, तीन में पूछा जा रहा था, सॉरी तीन में पूछा जा रहा था, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, दो में पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर योग निकाल लेंगे, जिसका जो है योग सबसे अधिक आएगा उसी का औसत ही सबसे अधिक होगा। हल करेंगे, 40 में कितना था 70, और 70 में आपका कितना था 90, तो कितना हो जाएगा योग 916 यानी कि 160, फिर 70 और 58, 70 में कितना है 90, 58 में कितना है 55, तो 9 5 14 यानी कि 145, फिर आपका 40 और 44 है तो कितना हो जाएगा 8 7 15 यानी कि 150, फिर आपका 70 और 79 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 916 यानी कि 165। तो योग सबसे अधिक कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, तो औसत भी इसी का सबसे अधिक होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।